एक दिन सुहानी की फ्रेंड उसे कॉल करके बताती है कि आज उसकी नाइट शिफ्ट है, तो क्या आज वो उसकी बीमार पैरालाइज दादी का ख्याल रख लेगी। मजबूरी में सुहानी को हाँ करनी पड़ती है और जब वो उसके घर पहुंचती है तो वो उसे सारी बातें समझाकर निकल जाती है। रात को डिनर में सुहानी सूप बनाती है लेकिन उसकी दादी उसे फेंक देती है क्योंकि उसकी दादी सुहानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। फिर सुहानी उन्हें बेड पर लेटाकर अपने रूम में जाकर सो जाती है, मगर तभी उसकी दादी रिंग बजाती है और जब सुहानी उनके रूम में जाती है तो वो चुपचाप उसे घूरती रहती है और फिर वो बार बार रिंग बजाती है सुहानी को परेशान करने के लिए, लेकिन सुहानी अब इग्नोर कर सो जाती है। और तभी वो रिंग बड़ी तेज तेज बजने लगती है और सुहानी को एक आवाज आती है, और सुहानी जब उठती है तो वो देखती है कि वो दादी उसी के रूम में आ चुकी है। बिना देरी किए उस पैरालाइज दादी ने सुहानी के पैर में काट लिया। सुहानी बुरी तरह से दुख दर्द पीड़ा से चिल्ला रही थी, अभी उसकी आंख खुलती है और वो देखती है कि ये तो एक बस डरावना सपना था। और उस दिन से आज तक सुहानी अपनी फ्रेंड की दादी का ख्याल रखने नहीं गई।